उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बसपा तैयारियों में जुट चुकी है। बसपा ने भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी मैदान से खुद को बाहर कर दिया हो, लेकिन मिशन 2022 को लेकर मायावती पीछे नहीं हटने वाली हैं। फरवरी से ही बसपा प्रमुख लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं और उन्होंने 2022 के चुनावों के लिए अपना नारा भी दिया है, जो कि इस प्रकार है कि यूपी को बचाना है और बसपा को सत्ता में लाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया है कि मीडिया में वे भले ही नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्हें कम ना कहा जाए। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को कहा कि कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद वे फरवरी से लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार पार्टी और संगठन की बैठकें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी की सभी छोटी और बड़ी मीटिंग्स ले रहे हैं और हमारा ध्यान संगठन को मजबूत करने का है। ऐसे में बसपा को कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हर बातों को मीडिया में नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूपी में सक्रिय नहीं। यूपी में योगी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी उसी तौर तरीकों से काम कर रही है जैसा सपा करती है। उन्होंने कहा कि ऐसी शैली की वजह से ही उन्होंने 1995 में सपा से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन अब भाजपा भी वही सब कर रही है। इसी के साथ मायावती ने यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब की स्टूडियो दिल्ली।